नमस्कार दोस्तों, ये मंदिर आपको दिख रहा है, ये बद्रीनाथ मंदिर समूह है द्वाराहाट में, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। और जो कि मंदिर में आपको ये प्रांगण में और छोटे छोटे मंदिर दिखाई दे रहे हैं, ये मंदिर आपको देवी लक्ष्मी और बाणासुर को समर्पित है। और ये मंदिर बनाया गया है कत्यूरी वंशजों के द्वारा। और जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एक शिलालेख लगाया गया है जिसके द्वारा ये संरक्षित किया जा रहा है पुरातत्विक विभाग द्वारा। तो इसमें जैसे बताया गया है कि जो स्थापत्य शैली के आधार पर मंदिरों का काल 11वीं सदी बताया गया है, और कत्यूरी शासकों द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और जैसे कैमरामैन ब्रिजेश को कहें बताना चाहूँगा मैं, आप ये साथ आइए मेरे। और जो ये आपको ये छोटे छोटे मंदिर दिख रहे हैं, और यहाँ पे साइड पे जितने भी छोटे छोटे मंदिर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये बाणासुर और लक्ष्मी देवी के मंदिर हैं। और जो आपको ये मुख्य मंदिर दिख रहा है, आप ब्रिजेश थोड़ा मंदिर दिखाइए। अच्छा, ये मुख्य मंदिर दिख रहा है, इधर आइए। मुख्य मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर आपको जो दिख रहा है, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। कत्यूरी शासकों द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है, और ये द्वाराहाट में स्थित है। और द्वाराहाट में यह मंदिर स्थित है, आप जब भी यहाँ आना चाहेंगे, द्वाराहाट कर्णप्रयाग से 115 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और आप यहाँ पे आ सकते हैं अपने निजी वाहनों से। और बहुत ही सुंदर स्थापत्य कला है यहाँ पे, और जो कि यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर भी है। और ये जो मंदिर है आपका, ये शहर के बीचों बीच स्थित है। इसी से कुछ दूरी पर इस मंदिर से, जो कि बद्रीनाथ समूह का ये मंदिर है, इस मंदिर से कुछ दूरी पर, जस्ट 50 मीटर की दूरी पर एक दूसरा मंदिर भी है, वो महामृत्युंजय मंदिर है, जो कि शिव जी का मंदिर है। वो भी कत्यूरी शासकों द्वारा 11वीं सदी में स्थापित किया गया है। ये तो बहुत बड़े बीम है यार, ये तो सोचो ना, मतलब कितना भार होगा इन एक बीम का, है ना, मतलब अपने आप में बड़ा अचरज भरा है ये सारी चीजें। किस सदी में कहा आपने, 8वीं 9वीं सदी में? 11वीं 12वीं सदी में कत्यूरी शासकों ने ये बनाया। अच्छा, न तो मतलब आप इसकी जानकारी है कोई, कि मतलब कि किस कत्यूरी शासक ने बनाया? ग्यारहवीं सदी। अच्छा, तो मतलब किसी शासक का नाम पता आपको, किसी कत्यूरी शासकों का नाम? हाँ, इनके बारे में इंटरनेट पे मिल जाएगी नहीं जानकारी? कत्यूरी शासकों के बारे में महामृत्युंजय मंदिर है। महामृत्युंजय मंदिर जो कि कत्यूरी शासकों द्वारा स्थापित किया गया है। और कत्यूरी शासकों के बारे में आज तक जितनी जानकारी मुझे प्राप्त है, उसके हिसाब से कत्यूरी शासक महाकाल शिव के भक्त थे, और कत्यूरी शासकों ने जहाँ पे भी अपना शासन चलाया, और कत्यूरी शासकों ने शिव का मंदिर बनाया। जैसे कि यहाँ पे भी आपको एक शिवलिंग दिख रहा है, ये कत्यूरी शासकों द्वारा 11वीं 12वीं सदी में स्थापित किया गया है ये मंदिर।
और बड़ा भव्य मंदिर है, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े शिलाएँ लगाई लगाई गई है कि इसकी कला को देखकर मैं थोड़ा अचंभित भी हूँ कि आखिर कैसे उस दौर में उन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी शिलाओं को उठाया होगा और कैसे इसको स्थापित किया होगा। इस मंदिर का नाम है महामृत्युंजय मंदिर, और जिसकी सुंदरता देखने में ही बन रही है। यह हमारे इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आने वाले जनरेशन को यह चीज़ें समझनी अपने आप में बहुत ही मुश्किल सा है कि कैसे उस दौर में लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी शिलाओं को यहाँ स्थापित किया होगा। और इतने बड़े बड़े भूकंप और इन चीज़ों को कैसे ये मंदिर अभी तक भी सहन कर रहा है, ये अपने आप में बहुत ही रहस्यमय जानकारी है। देख सकते हैं दोस्तों आप, बहुत बड़ा मंदिर है दोस्तों, और सच में एक, और ये एक वास्तुकला का एक बहुत ही जानदार नमूना है। और यहाँ पे कुछ चक्र जैसा बना रखा है, ये भी कत्यूरी शासकों द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया है। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है कि इस चक्र का कार्य क्या है, लेकिन कत्यूरी शासकों ने ये चक्र जब बनाया होगा तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। इस चक्र का क्या काम है ये तो मुझे फिलहाल कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोच के इन्होंने यहाँ पे ये चक्र स्थापित किया होगा। ये देखिए दोस्तों भव्य मंदिर, और एक बार फिर से सौरभ राज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आपको महामृत्युंजय मंदिर के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि उत्तराखंड का एक चिन्ह है कि यहाँ पे कोई आए और हमारे इतिहास के बारे में जानकारी ले, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये मंदिर भी अच्छा लगा होगा, और आपको मैं अधिक जानकारी देते रहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद।